अमृतसर जो कि पंजाब के अंदर है, जिस पर राजा अम्ब राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम अमली था, जिनके घर में 2 संतान सरवर और नीर थे। साथियों, वो यज्ञ करवाए जा रहे थे। राजा अनेकों यज्ञ यानी कि 99 यज्ञ करा लिए थे। 100वें यज्ञ की तैयारियां चल रही थी और भगवान यानी कि परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आए तो साधु का भेष बना करके आ गए। कोई भी कार्य जब पूर्ण होने को होगा तो उसमें कोई ना कोई परेशानी जरूर देता है। परमात्मा परीक्षा लेता है। भगवान साधु का भेष बना करके द्वार पर आए और आकर के उनसे दान की इच्छा की तो राजा अम्ब ने कह दिया कि आप बताइए क्या चाहते हो, कि हम जो चाहेंगे वो आप हमें दान कर सकते हो। बिल्कुल करूंगा, तो हमें आपका ये सारा राजपाट दान में चाहिए। तो राजा अम्ब ने, क्योंकि तैयारियां हो रही थी यज्ञ की, वचन से फिर नहीं सकते थे, वचन दिया संतों को। राज की जो चाबी वो तुरंत साधु महाराज को सौंप दी कि ये लीजिए, कि राज चाहिए, गहने वस्त्र उतार दो और इस राज की जहां तक सीमा है वहां तक आपको रुकना नहीं है, वहां से बाहर जाकर के ही विश्राम करोगे। राजा अम्ब राजपाट की चाबी देकर के रानी को लेकर के गहने वस्त्र उतार करके, शाही वस्त्र उतार करके और सामान्य वस्त्र धारण करके वहां से चल देते हैं। साथियों, चलते चलते शाम हो गई और शाम के अंधेरा होने को है। राजा रानी बच्चों को गोद में लेकर के चले जा रहे थे। चलते चलते थक लिए, रानी के पैरों में छाले पड़ गए। अमृतसर की सीमा को जब पार किया तो पार करते करते रात हो गई, अंधेरा हो गया। बच्चे सरवर और नीर को भूख लगने लगी, भोजन मांगने लगते हैं। जब राजा रात के समय में रुके बियाबान जंगल के अंदर तो बच्चों को देख करके राजा अम्ब की आंखों में आंसू भर आए। उन बच्चों का दुख दर्द देख करके रो पड़े और उस समय का वर्णन किया कवि ने। यहीं से हम कथा सुना रहे हैं आपके बीच में, कैसे बता। राजा रानी देख देख दुखी होवे, जब बालक सरवर नीर भूख में रोवे हो, जब बालक सरवर नीर भूख में रोवे। बालक सरवर नीर भूख में रोवे हो, जब बालक सरवर नीर भूख में रोवे। मुझे बेराना क्यों, प्राण है पापी तन में हो, मुझे बेराना क्यों, प्राण है पापी तन में हो। रात अंधेरी झुकरी घटार गगन में, मुझे डर लागे फिरे शेर बघेरे बण में हो, मुझे डर लागे फिरे शेर बघेरे बण में। अरे आफत के तूफान आने में, जब बालक सरवर नीर भूख में रोवे हो, जब बालक सरवर नीर भूख में रोवे। पाक जगत की छाने फिर देख देख दुख मन मारने की ठाने हो फिर देख देख दुख मन मारने की ठाने हो मैं टूट गया भगवान घना नाताने है मेरे दुख ने सरवर नीर राम क्या जाने हो मेरे दुख ने सरवर नीर राम क्या जाने हम दुखिया रहे जाग जमाना सोवे जब बालक सरवर नीर भूख से रोवे हो जब बालक सरवर नीर भूख से रोवे हिलती थी जने टूट पड़ा आसमान धरण हिलती थी हो जने टूट पड़ा आसमान धरण हिलती थी हो रही लेट धरण पे जो महलों में हिलती थी उस अमली सामी नजर नहीं मिलती थी हो उस अमली सामी नजर नहीं मिलती थी हो फिर नीची करके नाड़ वो शान लगो में जब सरवर नीर भूख से रोवे हो जब बालक सरवर नीर भूख से रोवे यो है किसी रे करम का खेल बड़ी लाचारी हो यो है किसी रे करम का खेल बड़ी लाचारी हो कह लाडन सिंह दुख दिल में हो रहे भारी गई रोते रोते रात राज बलसाई हो गई रोते रोते रात राज बलसाई जड़ा मुझे रे पेट की आगे रहा कहीं तो होवे जब बालक सरवर